अदालत के फैसले पे नैब अमल करवा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अच्छा किया आपने याद करा दिया, अच्छा किया आपने याद करा दिया। पहले तो मेरी बात गुजारिश है गरीदा बीबी के, जो कानूनी मामलात होते हैं जब तक वो फाइनलिटी हासिल ना कर लें, जो सजाएं होती हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये वही फैसले हैं मेरी प्यारी बहन, जिसके ऊपर जो है वो जिनको जो सरीना के होटल के लिफाफों के अंदर जो है वो भेजे गए थे और वो सुनाए गए थे। अरशद मलिक की वीडियो का अभी बात होनी है। और एक और आपको खबर दे जाऊं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब परसों उस अपील के अंदर, इन्हीं केसों के अंदर अपील के अंदर जब जाएंगी, तो उन्होंने पिछली दफा भी आपसे जो है वो बात करते हुए मीडिया से कहा था कि वो बहुत सारे हकायक अब अदालत के सामने लेके आएंगे और बताएंगे कि ये फैसले क्यों हुए, कैसे हुए। और वो बाय द वे फोरेंसिक होनी थी, अरशद मलिक बेचारे कमर में चले गए, और वो वीडियो जो है किस तरह वीडियोज इस्तेमाल करके चेयरमैन नैब और वीडियो, अब ये आपको बड़ा, आपको पता है कि चोली दाना का साथ है, चेयरमैन नैब का नाम है, वहां वीडियो का नाम भी आता है। एक मिनट, आप कह रही है कि मरियम नवाज साहिबा अभी जब दोबारा जाएंगी कल परसों इन्हीं फैसलों के हवाले से पेश होंगी, तो कुछ मजीद हकायक उन्होंने पहले भी कहा था तो अब भी रखेंगी, ये जब आप लोग हकायक की बात करते हैं, कुछ मजीद वीडियोज है आप लोगों के पास? जी सिर्फ वीडियोज की बात नहीं है, वो वीडियोज है जो अभी तक कुछ मजीद वीडियोज फॉर्म के सामने नहीं आई, और वो कुछ भी हो सकती हैं, जो भी एडमिसिबल है कानून के तहत, जो भी प्रूफ हो सकते हैं हम वो देंगे, हम वो बताएंगे कि जो एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द, जी मैं बता रही हूँ सब कुछ है, जो एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द जो जो है वो आमदरफ्त होती थी, कौन कौन जाके जो है चैम्बर्स में किस किस को मिलता था, सरीना होटल के लिफाफे में कहाँ से जो है वो फैसला आया था, और अरशद मलिक साहब जो है वो अपना इतराफ़े जुर्म जो अपनी जिंदगी में करके गए हैं, और जो उनकी ये तमाम डिटेल्स अब कौम के सामने आनी चाहिए। ये सारी वीडियोस आपके पास मौजूद है, इजहार किया था, और ये सारी वीडियोस मरियम नवाज साहिबा के पास मौजूद हैं? नहीं नहीं, हमारे पास कोई वीडियोस होंगी कि नहीं होंगी, ये जो अरशद मलिक साहब की वीडियो जिसके ऊपर वो कहते हैं मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुशरफ के दौर में बनी थी, सो वो जाके मुशरफ से पूछ ले जिंदा है, ले आए ना उसको वापस लाके पूछे कि भाई ये अरशद मलिक जज साहब थे, इनकी वीडियो क्यों बनवाई थी और वो किसके रिकॉर्ड में रखी हुई थी। और बात ये बात ये वीडियो की नहीं है, चेयरमैन नैब की तो वीडियोज है ना, वो चेयरमैन नैब को वीडियो दिखा के आज तक जो उनसे हासिल कर सकते थे, मालम जब्बा खुड्डे लाइन, मुझे ब्रेक लेनी है, खुड्डे लाइन, हेलीकॉप्टर केस खुड्डे लाइन, बिलियन ट्री सुनामी खुडे लाइन, ये सब चेयरमैन नैब के करामात। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात, की बात तो बहुत दूर